हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पे। और आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो मैं दिखाने वाली हूँ कि फाउंडेशन को आप ब्रश से अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आते हैं, और ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या रिजल्ट आते हैं। तो जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप उसी में करना, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे किसमें अच्छा लगता है करना और किससे अच्छा इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले मैंने ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश लिया है, तो मैं पहले आपको ब्रश का इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। और फाउंडेशन लगाने से पहले मैंने सीटीएम कर लिया है, और अब मैंने ये फाउंडेशन लिया और इस तरह से मैंने अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लिया डॉट डॉट करते हुए। सिर्फ आधे फेस पे लगाना है क्योंकि आधे फेस पे हम बाद में लगाएंगे। और हाँ, ब्यूटी ब्लेंडर को तो आप गीला करके लगाते हो, ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन ये जो ब्रश है इस पे आप मेकअप फिक्सर या टोनर डाल लें। इस तरीके से ब्रश को थोड़ा सा गीला करके लगाएंगे तो फाउंडेशन पैची पैची नहीं लगेगा। और इस तरह से, और मैंने स्क्रीन पे टाइमर भी लगा दिया है जिससे आपको ये पता चल सके कि मुझे फाउंडेशन लगाने में कितना टाइम लगा है ब्रश की हेल्प से। जिस चीज में देखती हूँ किससे जल्दी लगता है, आप देख सकते हो इसमें कितना टाइम लगेगा। और जब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से लगाऊंगी तब उससे कितना टाइम लगेगा। और रिजल्ट किसका बेटर आता है आप खुद ही देखिएगा, मैं वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूं। ओके, उसके बाद अब मैं दूसरे साइड भी ऐसे ही लगा लूंगी सेम। और ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने इसको गीला करके निचोड़ लिया है। और इस तरह से आपको फाउंडेशन थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ लाइट की वजह से हुआ है, इतना व्हाइट व्हाइट नहीं है। लेकिन जब मेकअप हो जाता है तो वैसे भी व्हाइट व्हाइट नहीं दिखता है फाउंडेशन। फाउंडेशन को खाली देखने पर ये आपको व्हाइट व्हाइट दिखेगा, लेकिन जब पूरा मेकअप हो जाता है, लुक कंप्लीट हो जाता है, आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक ये सब लग जाता है ना, उसके बाद आपको इतना व्हाइट नहीं लगता है। ये आपको मेकअप प्रोडक्ट को चाहिए जो अफोर्डेबल रेंज में मिल रहे हैं। इस समय पर्पल पे सेल चल रही है तो जाके ले लीजिए, मेरे लिंक के थ्रू जाइए और ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाउंडेशन को जब भी लगाएं ऊपर की तरफ ना करें, थोड़ा कोशिश करें नीचे की तरफ ही खींचने का। ओके, तो देखिए सुना, ये डन, ये लग गया है। और नेक पे लगाना ना भूले, तो नेक पे मैं लगाती हूँ। देख ही सकते हैं इस साइड मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से लगाया है और इस साइड ब्रश की हेल्प से। तो आपको दोनों में कोई फर्क दिख रहा हो, अंतर दिख रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और मैंने टाइम भी स्टार्ट किया था जिसमें, तो मुझे तो ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा, दोनों से एक जैसा ही लगा है। हाँ, लेकिन टाइम का अंतर लगा मुझे, उतना जल्दी ब्यूटी ब्लेंडर से लग गया और उसका फर्क भी मुझे अच्छा लगा, उसका लगा के रिजल्ट भी अच्छा लगा मुझे। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप करने से। आपको कौन सी चीज ज़्यादा पसंद है फाउंडेशन लगाते वक्त, ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर? तो आप कैसे ये यूज करते हैं मुझे ये भी बताइएगा, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा एंड तक, और इसके लिए धन्यवाद। और मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए और भी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग। आपको कुछ भी मेरी वीडियो में देखना हो कुछ, प्लीज फिर कमेंट करके जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। सो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को भी दबाते जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो बाय बाय, टेक केयर।